रंजिश को लेकर युवक पर लाठी, बल्लम से जानलेवा हमला, जिला बदरने की मारपीट। रनौद थाना क्षेत्र के तहत रनौद में रहने वाले एक युवक की चार लोगों ने मिलकर मारपीट कर दी। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार मुनव्वर अली ने बताया कि उसकी अव्वर इकबाल शहजाद डब्बू से कुछ महीने पहले विवाद हुआ था, जिस पर हमने थाने में शिकायत की, जहां पुलिस ने राजीनामा करवा दिया। इसके बाद हमारा आपस में बोलचाल बंद हो गया, लेकिन आज जब मेरा बेटा दुकान पर सामान लेने गया तो उक्त लोग भी बेटे के पीछे पीछे आ गए और उसकी मारपीट करने लगे। हमने मारपीट करने से रोका तो सभी ने लाठी, बल्लम व फर्शे से हमला बोल दिया। मुनव्वर अली मारपीट हुई आपकी, कैसे, क्या पूरा मामला था, कैसे क्या मामला था आपका, मतलब किस बात को लेकर मारपीट की उन लोगों ने? अरे पहले हमारी एक बार लड़ाई हो गई थी, उसने राजीनामा कर लिया था भाई, ज़बरदस्ती थानेदार से खिलवा के, तो वहाँ राजीनामा हो गया था। इसके बाद जाना आना हमारा टोटल बंद था, बोलते नहीं थे, और वो बच्चे के पीछे झगड़ा हो गया अभी ज़रा। किस बात को लेके झगड़ा? कि जी मेरी तरफ मतलब आँखें निकाल लिया है। कौन निकाल रहा है? हमारा बच्चा ओलू। वो पप्पू की तरफ, वो दूसरी पार्टी की तरफ। तो किसने की है? तो मारपीट तो चारों पांचों भाई थे। कौन-कौन? वो था अनवर था, इकबाल था, शहजाद था और डब्बू था। मारपीट किस किस की है? मारपीट चार लोगों की है हमारी। घटने वाले दिन क्या हुआ था? कैसा कहना? घटने वाले समय क्या हुआ था? जी हुआ तक है, वो बाजार में बैठा था तो वो बच्चे से हमने सामान मंगाया, उसके पीछे ही लगा चला आया, आके उसने खेत पे हमने सामान मंगाया था उससे, और जो है वहीं आके उसमें देना शुरू कर दिया इसने, तो हमने अलग अलग कर दिए उनको। वो फिर चला गया, फोन लगा दिया उसने, सोचा अरे भाई लोग आ गए भी लड़की, वो भरते बल्लम ले लेके, वो बस एक तरफ से उन चारों की पिटाई करना शुरू कर दी। मुसलमान है फिरोज़ पुत्र मकसूद अहमद दमन का रहने वाला है। ये अपने परिवार जमों के साथ में अपने खेत पर था, तो पुराने विवाद पर से शहजाद पप्पू और उनके परिजन करीब सात लोग हैं, उन्होंने झगड़ा किया है, सिर में चोटें हैं, शरीर में भी जगह जगह चोटें हैं, तो इनकी रिपोर्ट पर से हालत मंजूर की गई है। चारों लोग अस्पताल में भर्ती हैं, विवेचना की जा रही है और तलाश की जा रही है। सर मारपीट करने वाला सर बताया जा रहा है, जिलावर भी है। हाँ ऐसा लिखा है FIR में, FIR में ऐसा लिखाया है, उसको भी आरोपी बनाया है, शहजाद है। थैंक यू।